हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर गुड मॉर्निंग बिहाफ ऑफ आवर चैनल यूनिक ग्रुप। मित्रों, कल हम लोगों ने बात किया था कैन का, हम लोगों ने कल मॉडल वर्ब का स्टार्ट किया था, कल हम लोगों ने मॉडल वर्ब के बेसिक डिस्कशन को भी किया था। हम लोग कल ये भी सीखे थे कि मॉडल वर्ब्स क्या होता है, कैसे यूज होता है, किसी भी सेंटेंस में उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या स्ट्रक्चर नहीं होता, कैसे उसको हम लोग किसी सेंटेंस में अरेंज करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि कुड का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पर कुड का यूज़ करते हैं, अपने डेली रूटीन में कैसे यूज़ करते हैं, अपने डेली बिहेवियर में, इवन हमारे एरर कहाँ कहाँ से आते हैं। मीन्स वी आर गोइंग टू लर्न कुड इन ऑल सेक्शंस, मीन्स इंक्लूडिंग आर डेली लाइफ एंड आर ग्रामर सेक्शन बोथ। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो वेयर द कुड्स आर रेज्ड, एंड बिफोर गोइंग थ्रू आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू अ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कुड इज दैट कुड इज ए नॉट ट्रांसफॉर्म। मीन्स वॉट, लोग कहते हैं कि कैन का पास्ट कुड होता है, जो कि क्या होता है, एकदम रॉन्ग होता है। कभी भी जो जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, जितने भी मॉडल्स होते हैं, ये कभी भी टेंस पर डिपेंडेंट नहीं होते, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ओके, सो कुड कभी भी क्या होता है, ये नहीं कि ये पास्ट होता है, किसका पास्ट होता है, लोग कहते हैं कि टेंस होता है, कैन का पास्ट होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुड अपने आप में फ्री है और ये क्या होता है, एक फ्री मॉडल वर्ब की तरह काम करता है। आइए देखते हैं, सबसे पहला यूज हम लोग देखेंगे कुड का, हम लोग सारे यूज देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे, एग्जांपल्स लेके देखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ करेंगे, और आप भी कॉपी कलम अपना निकाल लीजिए, मेरे साथ लिखते रहिए, बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। मैं फिर आपसे आज कह रहा हूं कि बोलना बोलने से आता। मीन्स व्हाट, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर देन यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू बी स्पीक, यू हैव टू फर्स्ट ट्राई टू स्पीक। गलती सही नहीं सोचना, स्पीक करना, मेरे साथ बोलना, मैं आपको बुलवाऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए अगले कुछ मिनट तक। आज आपको मैं एटलीस्ट मोर देन 50 सेंटेंस कुड से रिलेटेड मैं आपसे प्रोनाउंस करवा दूंगा। ओके, सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग कुड इन केस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, हम लोग जो कुड का पहला प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट कैसी होगी, पोलाइट होगी, एकदम विनम्रता से। मीन्स वॉट, वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट यू, बट दैट विल बी नॉट अ नॉर्मल रिक्वेस्ट, द रिक्वेस्ट विल बी पोलाइट। यस, हम आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट करें, क्यों, क्योंकि मुझे आपसे काम लेना, जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज, लेट अस सी द एग्जाम्पल्स, कुड यू हेल्प मी प्लीज, वट आई एम सेइंग हियर, लिसन, कुड यू हेल्प मी प्लीज, यस, जस्ट आई एम नीड ऑफ हेल्प, आई एम नीड ऑफ योर हेल्प, एंड आई एम आस्किंग टू यू, आई एम बेगरिंग टू, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, एंड हाउ माई रिक्वेस्ट, मेरा रिक्वेस्ट कैसा है, पोलाइट है, विनम्र है। मैं आपसे पोलाइट विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप मेरी मदद करेंगे, या फिर आप थोड़ा सा मेरी आप मदद करेंगे क्या। ओके, सो अगर हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं। अब यहां पे एक बातें कभी कभी हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्लीज का यूज यहां पे करेंगे कि सब्जेक्ट के तुरंत बात करेंगे, तो इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुड यू प्लीज हेल्प मी, दोनों सही है, दोनों सही क्वेश्चन मार्क हम आपसे पूछ रहे हैं कि कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे क्या, आप मेरी मदद करेंगे क्या। मीन्स जब भी हमें किसी व्यक्ति से पोलाइट रिक्वेस्ट करना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। एकदम गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए, कभी जिंदगी में नहीं भूलना इसका, प्रैक्टिस करिए, अपने घर वालों से बोलिए, फ्रेंड से बोलिए, हर जगह बोलिए, हर जगह आप कुड का यूज करिए। वॉट इफ यू वॉन्ट टू जस्ट मेक अ रिक्वेस्ट टू एनी वन, योर रिक्वेस्ट मस्ट बी पोलाइट। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, कुछ किसी से अगर आपको मांगना है तो पोलाइट, अगर रिक्वेस्ट आप नहीं करें तो आपको देगा भी नहीं वो, और साथ में आपको क्या, कुछ और भी, आपको थप्पड़ भी दे सकता है। तो अगर आप कुछ किसी से, अगर आपको जैसे पैसे मांगना है, कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज, ऐसे भी कह सकते हैं आप, कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज। मैंने क्या बोला आपसे, कुड यू लैंड मी मतलब उधार देना कुछ, आप मुझे कुछ पैसा उधार दोगे क्या। अब सोचिए मुझे आपसे मांगना है, ओके, तो अगर मैं पोलाइटली नहीं मांग, कुछ पैसा दो क्या मुझे, तो आप पैसे मुझे देंगे, कभी नहीं देंगे। मीन्स वॉट, आई हैव टू बी पोलाइट फर्स्ट, देन आई हैव टू आस्क, फर्स्ट आई हैव टू बी पोलाइट, एंड इफ आई वॉन्ट टू बिकम पोलाइट टू यू वाइल आई एम आस्किंग समथिंग टू यू, देन आई हैव टू यूज कुड। अगर मुझे पोलाइट होकर आपसे कुछ मांगना है तो मुझे कुड का यूज करना है। ओके, आप कह सकते हैं कुड यू हैव, कुड यू गिव मी योर पेंसिल प्लीज, कुड यू गिव मी योर मोबाइल प्लीज, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो जब भी आपको किसी से कुछ मांगना हो, कुछ किसी से मदद मांगनी हो, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात,
ये बात समझ में आ गई, इसका पहला यूज होता है अगर इसका। अच्छा अभी हमसे कभी कभी लोग कहते हैं सर सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए कहां से स्टार्ट करेंगे, कुड होगा पहले, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और आप चाहे तो प्लीज या तो यहां पे लगाएं या तो आप प्लीज यहां पे लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये होगा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। इस बात को समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम लोग अगले यूज की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट यूज देखते हैं इसका, पोलाइट कुड का। ये बातें समझ में आ गई, नाउ सी द नेक्स्ट यूज एंड वंस मोर विच आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू मस्ट नो ऑल यूज ऑफ कैन वट एवर वी हैव डिस्कस्ड वी हैव स्टडीड इन आर प्रीवियस वीडियो। हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग अपने पिछली क्लास में कैन के सारे यूज देखे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे मॉडल्स का, मॉडल वर्ब्स कैसे होते हैं, उसका फॉर्मेशन क्या होता है। जैसे मैंने आपको दो तीन बातें बेसिक से बताई थी, जैसे क्या मैंने आपको ये बताया था कि जो मॉडल वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है और अपने साथ हमेशा मेन वर्ब को लेता है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वो फर्स्ट फॉर्म होती है। ये सारी बातें मैंने पिछली क्लास में कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। वहां पर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, मैं आपको ये बताया था कि कौन कौन से एरर होते हैं, मॉडल वर्ब से कहां कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग दूसरा देख रहे थे क्या, कभी कभी क्या होता है, हम लोग इसका इस सेंस में यूज करते हैं कुड का। कुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ सका है, सकी है या सके हैं। ध्यान से देखिएगा, सका है, सकी है, सके है, मींस व्हाट, जब हम लोगों को यह कहना हो कि यह क्या कर सकता है, क्या कि पुलिस कुड नॉट कैच द थीप, पुलिस थीप को पकड़ नहीं पाई, मतलब कोई काम नहीं हो पाई, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ पाया, नहीं पकड़ सका, ओके। तो वहां पे भी हम लोग कुड का यूज करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल अभी आपसे बोले, लिख लीजिए पुलिस कुड नॉट कैच द थीप। पुलिस क्या करी, कुड नॉट कैच द थीप, मतलब पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ पाया, पुलिस चोर को नहीं पकड़ सकी, ओके। तो जब हम लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस चोर को नहीं पकड़ सकी, नहीं पकड़ पाई, आप यहां पाई भी लिख सकते हैं, ओके। तो वहां पे क्या होगा, हम लोग कुड का यूज करेंगे, जहां पे कोई काम नहीं हो सका, आई कुड नॉट अटेंड, या आई कुड अटेंड योर क्लास एस्टरडे, आई कुड अटेंड योर क्लास एस्टरडे, मैं आपका क्लास कल अटेंड कर सका, मैं आपका क्लास कल अटेंड कर सका, या आप ये भी कह सकते हैं, ऐसे ही कह सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते, दिन भर एग्जाम्पल बनाइए। आई कुड नॉट प्रेजेंट एस्टरडे, क्या था, मैं कुड नॉट प्रेजेंट था, मैं आई कुड नॉट प्रेजेंट यस्टरडे, मैं कल प्रेजेंट नहीं हो सका, मैं कल प्रेजेंट नहीं हो पाया, यस्टरडे मतलब बीता हुआ, कल की बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको, मीन्स व्हाट, इफ यू हैव टू से दैट एनी एक्शन कुड नॉट परफॉर्म, कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आप वहां पर किसका यूज करेंगे, सका है, सकी है और सके है, ओके। सो इन द सेम वे यू कैन से, यू कैन जस्ट मेक मोर देन 100 सेंटेंस जस्ट लाइक दिस ऑन दिस फॉर्मेशन। आइए हम लोग देखते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर को। सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, अगर हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो क्या सबसे पहले, क्या सबसे पहले हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सेंटेंस स्टार्ट सब्जेक्ट से होता है, सब्जेक्ट होने के बाद फिर क्या होगा, कुड होगा, ठीक है, अगर कहीं नॉट है तो नॉट लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट होगा प्लस कुड होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होगा, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग मूव करेंगे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में क्या होता है, कभी कभी हम लोग कैसे यूज करते हैं, सकता था, सकती थी, सकते थे, जैसे देखते हैं थर्ड यूज को। थर्ड यूज हमारा आसान है, मीन्स वॉट, हमारे डेली लाइफ में इसका यूज बहुत ज्यादा है, अगर हम लोग इसको यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में तो क्या होता है, हम लोगों को पता नहीं चलता है, और अपनी डेली रूटीन में, डेली बिहेवियर में क्या होता है, मैक्सिमम पार्ट्स हम लोग मॉडल का ही यूज करते हैं, मैक्सिमम लोग मॉडल वर्ब्स ही बोलते हैं। जैसे मैं बोला आपसे, क्या बोला अभी आपसे, तीसरा इसका यूज क्या है,
सकता था सकती थी या सकते थे। देखिए मैं आपसे थोड़ा सा इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हम लोग बातों को और क्लियरली समझ सके, और क्लियरली समझ सके, इसीलिए मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा हिंदी का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। ही कुड बी थीप, मैं इसका एग्जाम्पल देखता हूँ, ही कुड बी अ थीप, वह एक चोर हो सकता था क्या। अब देखिए मैंने क्या किया, he could be a thief, वो क्या हो सकता है, एक चोर हो सकता था भाई, हो सकता है। जब हमने कहा था वो आदमी सस्पिशन में था, हमें क्लियर नहीं था, हमने उसको देखा, उसके बात व्यवहार से चाल चलन से ऐसा लगा कि क्या होगा, वो हो सकता हो कि वो क्या हो, चोर हो ना। ऐसे आप और भी कह सकते हैं, आई कुड बी लेट, आई कुड बी लेट, मैं लेट हो सकता हूं। मैं क्या बता रहा हूँ भाई, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे मैं कोशिश करूंगा टाइम से आने की, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, बट आई कुड बी लेट, मैं लेट हो सकता हूँ। आप ये भी कह सकते हैं, सी कुड बी बिजी, वो क्या हो सकती है, बिजी हो सकती है। तो क्या हो रहा है, हम लोग जहां पे एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वो मतलब क्या कंडीशन हो सकती है, हम लोग गेस की बात करते हैं कि मैं लेट हो सकता हूं ना, वो खाना खा सकता है, मोहन आ सकता है, हम थोड़ा सा टाइम से पहुंच सकते हैं, वो चोर हो सकता है, ठीक है, वो हमारे घर में आ सकते हैं। तो जहां पे हम लोग सकता है, सकती है, सकते थे की बात करते हैं, ठीक है, सकता था की बात, सॉरी ये एक्चुअली में पास्ट की बात कर रहे थे, मैं लेट हो सकता था, जैसे ही कुड बी थी, वो चोर हो सकता था, ओके। मैंने क्या बोला, आई कुड बी लेट, मैं लेट हो सकता था, सी कुड बी बिजी, वो हो सकता हो बिजी रही हो, वह बिजी हो सकती थी। ये ध्यान दीजिएगा, थी कि हम लोग बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, ओके, पास्ट में पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ये हो सकता था, ऐसा हुआ होगा, लेट समझिए बस बात को, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था। तो जो हम लोग क्या कर रहे हैं, पास्ट में थोड़ा सा एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ऐसा कंडीशन हो सकता था, ही कुड बी अ थीफ, वो चोर हो सकता था, आई कुड बी लेट, मैं लेट हो सकता था, सी कुड बी बिजी, वो बिजी हो सकती थी। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं चौथे यूज की तरफ, एकदम ध्यान से देखिएगा, इसको समझ के करिएगा, इसको थोड़ा सा मेरे साथ आप एक बार लिखते रहिएगा और बोलते रहिए, इसका यूज करिए, सेंटेंस आप खुद क्रिएट करिए, खुद फटाफट अपने कॉपी में लिखिए, जो कॉपी लेकर के आप बैठे उसमें लिखते रहिए, ठीक है। अब हम लोग इसके चौथे देखते हैं, चौथा टाइप देखते हैं, चौथे पार्ट को देखते हैं कि ये कहाँ पे यूज होता है। चौथा पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रामर के सेक्शन से, हम लोग जो लोग तैयारी करते हैं SSC बैंक रेलवे वगैरह, क्वेश्चंस बहुत तगड़े से वहां से पूछे जाते हैं। जैसे होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का जो हमारी पास्ट एबिलिटी होती है, जो हमारी पास्ट पावर होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पास्ट एबिलिटी के लिए, पास्ट पावर के लिए और पास्ट कैपेसिटी के लिए, पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर और पास्ट कैपेसिटी, इन तीनों को अगर हमें डिनोट करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। एक बार ध्यान से समझिएगा, पुरानी बात है, व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन प्रेजेंट टाइम डजंट मैटर, ऐसा चीजें प्रेजेंट में हो रही कि नहीं हो रही ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन पास्ट में ये मेरे पास योग्यता थी, पास्ट में मेरे पास इतनी पावर थी, पास्ट में मेरी इतनी क्षमता थी, वो बातें हम करेंगे, ओके। जब हमें अपने कोई पुरानी बात करनी होती है जो अभी से पास्ट की है, अभी है कि नहीं वो कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई इन्फ्लुएंस प्रेजेंस में है कि नहीं कोई मतलब नहीं है, बट अगर पास्ट में कुछ ऐसा था तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे मैं अगर आपसे अपनी बात करूं, अपनी अगर मैं आपसे बात करूं, जो ईमानदारता मैं सच्चाई भी बता रहा हूं, व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड, ओल्ड तो नहीं बता, मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन में सिखाया था कि हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, यंग बोलते हैं। व्हेन आई वाज 18 इयर्स यंग, बात में समझ, मेरी बात पूरी बात समझिए, व्हेन आई वाज 18 इयर्स यंग आई कुड रन 5 किलोमीटर डेली। मैंने क्या बोला आपसे, व्हेन आई वाज 18 इयर्स या व्हेन आई वाज यंग, सीधे लिखते हैं, क्या दिक्कत है, आई कुड रन 5 किलोमीटर
डेली इन मॉर्निंग. मैं करता था व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था आई कुड, मैं रन क्या करता था, मेरे पास इतनी पावर थी कि पहले मैं 5 किलोमीटर डेली रन करता था, डेली में 5 किलोमीटर रन करता था. अब क्या होता है, अभी हो सकता उतना ना कर पाऊं, फिलहाल अभी मैंने काफी दिन से ट्राई नहीं किया, बट वॉट दिस इज माई पास्ट एबिलिटी, दिस इज माई पास्ट एबिलिटी, मेरे पास इतनी पहले योग्यता थी. बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, एबिलिटी मतलब क्या होता है, स्किल्स होता है, कला से होता है. एबिलिटी मतलब ध्यान समझिएगा, स्किल होता है, कला की बात करते हैं. अगर आपको ज्यादा समझना है इसके बारे में तो आप पिछली वीडियो की तरफ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से कैन को देख करिए देखिए, और कैन जब आप देखेंगे तो वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. ये बात समझ में आई? तो आपको क्या कहना है, जब आपको अपनी कोई पुरानी बात करनी, व्हेन आई वाज यंग, यहां पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, जब मैं यंग था, ऐसे में कह सकते हैं व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई कुड स्पीक इंग्लिश, I could speak English. Yes, when I was in school, जब मैं स्कूल में था तो I could speak English. मैं क्या करता था, English बोल सकता था, but अभी नहीं बोल पाता हूँ. अभी means what? Right now we can't speak English, doesn't matter. But what I'm telling you here, this is my past ability. Means when I was in school, I could speak. Yes, I was a good speaker. मैं एक good speaker था, but अभी बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं है. मेरी ability past की ये थी जब मैं school में था, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं. सो यू कैन से दैट कुड इज यूज इफ यू हैव टू सो, इफ यू हैव टू स्पीक, इफ यू हैव टू, यू कैन से समथिंग अबाउट आवर पास्ट एबिलिटी, देन वी कैन ऑल्सो यूज कुड. वहां पे भी हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं, कर सकते, बल्कि क्या करते ही है. ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर हम बात करें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें आपसे सेंटेंस स्ट्रक्चर की, सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ नहीं करना, हम लोग फॉर्मेट समझ गए, फॉर्मेट समझ गए. पहले फॉर क्या लिखना है, व्हेन आई वाज, व्हेन आई वाज, ओके, व्हेन प्लस सब्जेक्ट. देखिए ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर, देख लीजिए मैं लिख बता दे रहा हूं, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर, ओके, देन यहां पे क्या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, अदर वर्ड कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर कुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है. खुद से भी क्रिएट करना सीखिए, कब तक सीखेंगे, खुद से क्रिएट करना सीखिए, खुद से फटाफट लिखिए. तो जल्दी जल्दी लिखिए अपने कॉपी में, आप अपना स्ट्रक्चर जल्दी खुद से लिखिए. आप, मैं आपको एक स्पेस दे रहा हूं, ये मैं लिखूंगा नहीं, ये आप हमें खुद लिखिए, और अगर आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको उसको फिर से बताऊंगा. लेकिन उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा. आप खुद अपने स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं साहब. अपना क्या करना है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, ओके, आप खुद करना पड़ेगा. मैंने कहा था आपसे, मैं अक्सर कहता रहता हूं क्या, कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है. हमें तो आसमां पे जाना है, यानी मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है. मीन्स वॉट आवर, अगर हमें हमारी जो मंजिल है, हमारा जो मिशन है, हमारा जो गोल है, उसके लिए हमें खुद ही काम करना पड़ेगा. बात समझ में आई? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट के पॉइंट की तरफ चलते हैं, और हम लोग अपने पांचवें पॉइंट को देखेंगे. अब हम लोग अपने पांचवें पॉइंट को देखेंगे. पांचवा पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारी डेली लाइफ में. हम लोग क्या करते हैं, अक्सर उसका यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि होता क्या, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, ऐसा बहुत सारा टाइम होता है जब हम लोग अनरियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, जब हम लोग कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं. जैसे कभी कभी हम लोग अपने, अगर आपको याद हो तो हम लोग बचपन में डिस्कस किया करते थे, या अभी भी कभी भी हम लोग कभी कभी डिस्कस करते हैं कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता, अगर मैं अपने स्टेट का, अपने उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर था तो ये करता. तो जहाँ पे कंडीशन होता है, जहाँ पे एक हमें कंडीशन को फॉलो करना होता है, वहाँ पे भी हम कुड का यूज करते हैं. फिर से, इफ यू हैव टू फॉलो एनी कंडीशन देन वी आर आल्सो यूजिंग कुड. हाउ, देखते हैं. मैंने बताया आपसे कहाँ पे, अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन को भी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कभी कभी क्या, कंडीशनल भी से कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस भी से कहते हैं. क्योंकि यहां पे क्या होता है, एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पे डिपेंड होता है. जैसे मैं आपसे बोलूं इफ आई हैड मनी, एग्जांपल देखते हैं, इफ आई हैड मनी. अब देखिए, मैं एक पहला कंडीशन क्या कि अगर मेरे पास पैसा होता आई कुड स्टार्ट
आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस, मैं क्या करता कुछ बिजनेस स्टार्ट करता इफ आई हैड मनी, आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस। अब बताइए अगर मेरे पास पैसा होता तभी तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर पाता ना, अब मेरे पास पैसा नहीं इसमें बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाया। बात समझिए मैंने क्या बोला आपसे कि अनरियल सिचुएशन, जो सिचुएशन क्या होती है रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे मैं बोलूं आपसे इफ आई हैड गन, अगर मेरे पास बंदूक होती, अब देखिए थोड़ा सा ये क्या है थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही अनरियल है। इफ आई हैड अ गन, अगर मेरे पास एक बंदूक होती आई कुड किल ऑल क्रिमिनल्स, मैं क्या करता सारे क्रिमिनल्स को किल कर देता, आई कुड किल। लेकिन आप बताइए मेरे पास अगर बंदूक होती, हालांकि ऐसा संभव ही नहीं कि मेरे पास बंदूक हो, वैसे मैं किसी को मारूंगा नहीं, मारने का मेरा नहीं है वो काम, सरकार का काम है, समाज का काम नहीं है वो, संविधान का काम है और सरकार का काम है वो, कोर्ट का काम है। हमारा काम क्या है सिर्फ इंग्लिश सीखना है, फर्स्ट वी हैव टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर, आफ्टर दैट वट एवर वी कैन डू वी विल डू, हम लोग कोशिश करेंगे। बट अभी क्या, अभी हमारा काम क्या है, अभी हम लोगों को इंग्लिश सीखना, अभी हम लोगों को पहले क्या बनना है एक अच्छा स्पीकर बनना है। तो हमने आपसे क्या बताया कि जब क्या होता है हमारे पास कुछ अनरियल सिचुएशन होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, तो वहां पे भी हम लोग कुड का यूज करते हैं, तो वहां पे भी हम लोग कुड का यूज करते हैं, आप देख सकते हैं। अब इसका भी मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, वैसे अगर बात करें तो आप देख लीजिए खुद देखिए, इफ है पहले, सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट है, फिर हैड है, हैड क्या है बात समझिए, हेड क्या है, हेड है प्लस उसके बाद क्या है, यहाँ पे कह सकते हैं नाउन या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, फिर यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, फिर कुड है, फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस के एक्चुअली में कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पे वो डिपेंड करता है, इसी को इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। और मैं आपको एक अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, पूरी एक अलग से हमारी टॉपिक होगी कंडीशनल सेंटेंस की, जैसे बोलते हैं सब्जेक्टिव मूड ऑफ सेंटेंस, वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस में कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने कह सकते हैं कि जो हमारा अंतिम यूज है कुड का, जो हमारा आखिरी यूज, वहां पर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन होती है ना कि जो काम हम लोग कर तो सकते हैं बट करते नहीं हैं। फिर से मैं बता रहा हूं आपसे, कई बार ऐसी कंडीशंस होती है हमारी लाइफ में हमारे पास कि हम वो काम कर सकते थे बट हमने किया नहीं, या फिर मैं हम कहें तो हम कर नहीं पाए, हम कर तो सकते थे बट किए नहीं। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि हम जो काम कर सकते थे नहीं किए, तो वहां पर भी हम लोग कुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो छठवीं कंडीशन है, कोई काम जैसे मान लीजिए हम कर सकते थे पर किए नहीं, कर सकते थे पर किए नहीं, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है ये। यहां पे क्या होता है कि हम लोग कुड के साथ हैव का यूज करते हैं, कुड के साथ हैव का यूज करते हैं, कुड के साथ, याद रखिए यहां पे क्या करते हैं कुड के साथ हैव, जैसे कह सकते हैं आप क्या कि हु कुड हैव कम ऑन टाइम, ही could have come on time। अब इसका मतलब क्या हुआ, he could have come on time, he could have come on time, मतलब क्या हुआ कि वह टाइम पे आ सकता था लेकिन आया नहीं, बात समझिए, वो टाइम पे आ सकता था पर आया नहीं। यहां पे क्या हो रहा है, हम ये काम कर तो सकते थे बट हमने क्या किया, काम को किया नहीं। तो जहां पे ऐसी सिचुएशन होती है कि हम तो काम तो कर तो सकते थे, करने के लायक तो थे, जैसे कह सकते हैं यू कुड हैव, यू कुड हैव स्पीक इंग्लिश, You could have speak English। आप क्या कर सकते हो, आप English बोल सकते हो पर आपने बोला नहीं, आप English बोल सकते थे लेकिन आपने क्या किया, नहीं बोला। You could have, कुछ भी ऐसे कह सकते हैं कि आप सीरियसली कह सकते हैं कि You could have come on time ना, You could have be punctual, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। You could have be intelligent, You could have get मोर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो जहां पे क्या होता है कि कोई काम आप कर तो सकते थे पर किया नहीं, कर तो सकते थे लेकिन किया नहीं, तो वहां पे क्या होता है कुड के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं।
कुड के साथ हम लोग हैव का यूज करते थे, जहां पे कोई काम हम कर सकते थे पर नहीं किए वहां पर हम लोग क्या करते हैं कुड के साथ हैव का यूज किए थे। ये हमने कोशिश किया कि आपको जो मेन मेन कुड के यूज है वो दूं, आगे मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कुड के बारे में, ठीक है, कि कुड का हम लोग यूज और कहां कहां करते हैं, पॉसिबिलिटीज के लिए करते हैं, ठीक है। अक्सर क्या होता है कुड मे माइट और कैन, ये क्या होते हैं अगर देखा जाए तो एक दूसरे के कंपेरिजन में कहीं एक पॉसिबिलिटी के लिए लगभग सब यूज होते हैं, तो वो आपको मैं किसी अलग से वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं परमिशन, मैं आपसे कल वाली क्लास में कहा था कि परमिशन क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, उसमें क्या होता है एक तो होता है हमारा पोलाइट परमिशन, एक होता है रफ परमिशन, ठीक है, एक होता है फॉर्मल परमिशन। मैं आपको तीन तरीका परमिशन लेने का सिखाऊंगा कि कहां पे परमिशन आपको फॉर्मली लेना है, अपने ऑफिस में, अपने बॉस से, अपने टीचर से, ठीक है, कहां पे आपको पोलाइट लेना, जहां पे आपको सामने वाले से काम लेना है, और कहां पे आपको रफ परमिशन लेना है, रफ इन द सेंस कि जहां पे आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जहां पे आप बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि ऑफिशियली नहीं दिखाना चाहते हैं, एक बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहते, बराबरी का दिखाना चाहते हैं, वहाँ पे हम लोग रफ परमिशन की बात करते हैं। तो ये हम लोग कल देखेंगे, रफ परमिशन की कल बात करेंगे, कल हम लोग अगले मॉडल की तरफ मूव करेंगे, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ रेगुलर वीडियो वॉच करिए, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप एकदम सब, मैं सिस्टमेटिक काम करने का शुरू सोच रहा हूँ कि हम लोग सिस्टमेटिक सब करते रहें, और आप अगर इसको देखें तो उसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।